हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उत्तराखंड में ये प्राचीन जो घर है पहले से बने हुए। देखो उत्तराखंड में पहले से ऐसे ही घर बनते थे, पहले उत्तराखंड में ऐसे ही घर बनते थे, पत्थरों पूरे पत्थरों से बना है ये। और देखो इसकी देहली में बैठी है कुकी, इसका नाम कुकी है। ये है पुराने ज़माने का घर। अब ये गाँव में पूरे विलुप्त तो होते जा रहे हैं। देखो गाँव में एक मतलब बहुत इक्का दुक्का घर रह गए, ऐसे सारे वो वाले बन गए हैं लेंटर वाले पक्के मकान, पत्थरों वाले नहीं रह गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इन घर में रहने के फायदे। ये देखिए आ चुकी हूँ मैं घर के अंदर, और देखिए ये कुछ ऐसा है, ये पूरी लकड़ी से बना है अंदर से, और ऊपर से पूरे इसमें पत्थर है। ये कितना कितने लंबी हुई लकड़ी है, पूरा ऐसे कहते हैं बासा बासा। ये है बस पहाड़ी में, और ये है बल्ली, और ये है दादर पतले पतले। देखो इसके फायदे ये हैं कि इस मकान के जब जाड़ों के दिन आते हैं तब ये थोड़े गर्म गर्म होते हैं, मतलब ये इसमें ठंडक नहीं लगती है उतनी, जैसे बर्फ बर्फ गिरती है तो पिघल जाती है पूरी नीचे को पूरे। और जाड़ों में और गर्मी के दिनों में इसमें पूरा ठंडा रहता है। बहुत पुराना है ये, इसकी एज करीबन है 40 साल पुरानी इस घर की। ये एक बार इसको मतलब मेंटेन भी किया था थोड़ा सा। ये यहाँ पे घड़ी लगा रखी है, ऐसी फिटिंग है। ये है हमारे क्या हमारे पहाड़ की धरोहर जो लुप्त होते जा रही है। ये देखिए इसके दरवाजे, कलर अच्छा कर रखा है। अब मैं आपको इसकी अलमारी दिखाती हूँ। ये देखिए अलमारी उस जमाने की बनी हुई है अलमारी, इसमें कलर अलग करके इसको मेंटेन कर रखा है इस अलमारी को, नहीं तो बहुत जल्दी खराब हो जाती। ये देखिए है शिव जी की फोटो जो मेरे दादाजी ने बना रखी है। देखो कितनी नेचुरल बना रखी है, कोई उन्होंने कार्बन कॉपी का यूज नहीं कर रखा है, खुद बना रखी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।